आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमीरपुर से धर्मपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे के निर्माण से स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरह से उखाड़ दी गई है, जिससे न केवल लोगों के घरों में मिट्टी और धूल पड़ रही है, बल्कि आने जाने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। सड़क निर्माण के दौरान पानी की पाइपलाइनों को भी उखाड़ दिया गया है, जिससे लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच टोनी देवी से आगे स्थित प्रसिद्ध कोलुसित मंदिर, जो कि क्षेत्र की कुलदेवी का मंदिर है, उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। बुधवार को राजेंद्र राणा ने स्थानीय लोगों के आग्रह पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जिला प्रशासन से चर्चा की। उन्होंने जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को कहा। राणा ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन और निर्माण कंपनी समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं करते तो लोग विरोध प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। पिछले लंबे समय से जो नेशनल हाईवे हमीरपुर से टौणी देवी होते हुए धर्मपुर के लिए बन रहा है, पहली बात तो है कि इस मामले को मैंने पहले भी विधानसभा में उठाया था और स्पेशल नियम 62 के तहत उठाया था और उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह ने और सरकार ने हमें इंश्योर किया था कि इसके जो लोगों की ग्रीवेंसीज हैं, क्योंकि सारी सड़क को फाड़ दी है, पिछले लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और आज मौके पर मुझे बुलाया गया है। ये मंदिर है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, कुल्लू सिद्ध, यहाँ लोगों की शादियाँ होती हैं, यहाँ पर अब वो कुलज को मानने के लिए आते हैं, लोगों की कुलज है और यहाँ पर देखिए आप सारा ये टीने टूने टूट गई हैं, ऊपर से मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं और कंपनी जो है, जो नियम है उसके तहत काम नहीं कर रही है। हमें बताया गया कि यहाँ पर ब्लास्टिंग भी हुई है, ब्लास्टिंग इनको अलाउड नहीं है और उससे क्या है कि सारा मंदिर जो है डैमेज हो गया है। यहाँ लोग जब कुलज में अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो अभी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है और कंपनी वालों से भी, जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात हुई है कि विद इन 3-4 डेज आप इसको रिस्टोर करें, ठीक करें और आने वाले समय में जो आप काम कर रहे हैं उसको करें, परंतु नियम जो है उनका पालन करें, लोगों को नुकसान ना हो। अन्यथा ये सारे जितनी यहाँ पर जनता खड़ी है ये सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर हमारा सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग एजिटेशन करेंगे और 22 तारीख के बाद एजिटेशन कभी भी हो सकता है। मैं जनता के साथ हूँ और जनता के खिलाफ जो काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे सरकार है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमने इनको समय दिया है कि इन्होंने नुकसान किया उसको ठीक करें। और इसके अलावा अभी मुझे बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा बारी पंचायत में अंबाड़े बारी और जो साथ लगते गांव हैं इनमें पानी नहीं आ रहा है और आईपीएच वालों से बात करते हैं ग्रामीण लोग तो कहते हैं जी नेशनल हाईवे वालों ने तोड़ा है, नेशनल हाईवे से बात करते हैं, आईपीएच से बात करें, लोग कहाँ जाए, एजिटेशन किया पीछे तो लोगों ने वहां पर द्रकोटी में एजिटेशन किया तो 20-25 लोगों के खिलाफ सरकार ने FIR दर्ज कर दी। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इट्स ए फंडामेंटल राइट, लोगों का मौलिक अधिकार है कि उनके साथ कोई जाती हो तो अपनी आवाज बुलंद करने का उनको अधिकार है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और सरकार को चाहिए कि कंपनी जो है उसको कसे और कंपनी को जब भी बुलाते हैं, मैंने भी एक बार पीछे बुलाया था जब मैं विधायक था तो उसमें तो ना हाँ करते हैं, मुंह पे आगे हाँ करते हैं, ऐसा कर देंगे पर करते नहीं है। मुझे लग रहा है इससे लोगों को नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में लोगों के मन में बहुत रोष है और जब रोष होगा